हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 7,800 प्लस भर्तियों को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। तो इच्छुक अभ्यर्थी जो यहाँ पर रखते हैं इसकी क्वालिफिकेशन, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इसकी यहाँ पर योग्यता क्या रखी गई है और एज क्या है, और पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको आवेदन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अभी सब्सक्राइब करके तो प्लीज़ कर लेना, साथ में घंटी वाले आइकन प्रेस करना, वरना इससे भी अपडेट मिलते रहेंगे चैनल के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर जो है 7,800 प्लस जो है पदों की वैकेंसी निकल के आ रखी है। और इसमें जो है सभी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के, चाहे आप उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के हो या अन्य स्टेट के। तो स्पेशल जो है सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको यहाँ पर वैकेंसी निकल के आ रखी है, तो अलग अलग स्टेट में भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो कलर के लेवल की निकाल के, तो कलर के लेवल की वैकेंसीज हैं जो कि यहाँ पर IBPS के द्वारा निकाल रखा है। और इसमें जो है आपको दो फेज में पेपर आपका होगा, दो पेपर आपको देने होंगे, दो पेपर में आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू नहीं है इसमें। और सिंपल सा आपका यहाँ पर जो है दो पेपर रखे जाएंगे। इसके लिए जो है डेट शुरू हो चुकी है फॉर्म फिल करने की, आज से यानी कि 7 अक्टूबर से यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और 27 अक्टूबर जो है यहाँ पर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और इसका जो यहाँ पर पहला जो पेपर होगा, फर्स्ट फेज का जो प्रीलिम्स होगा, वो आपका यहाँ पर दिसंबर के आसपास यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दिसंबर 21 में जो है आपका पेपर यहाँ पर हो जाएगा, और एडमिट कार्ड भी आपके नवंबर दिसंबर तक आपके जारी हो जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा, लास्ट वाला एग्ज़ाम होगा, वो जनवरी फरवरी में कर दिया जाएगा। और इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपका यहाँ पर दिसंबर जनवरी तक जो है हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है जहाँ पर आपका बैंक वैंक मिलेगा, जो भी, क्योंकि बैंक में वैकेंसी निकल के आ रखी है, तो अप्रैल 2022 में जो है आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी, जहाँ पर भी इनका सिलेक्शन होगा। और इसमें जो है आपके पास सिंपल सा ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपको यहाँ पर जो है 20 से 28 वर्ष के आपके मैक्सिमम है। और कैटेगरी वाइज जो है आपको 5 साल जो कि शेड्यूल कास्ट को, ठीक है, मिलता है, ठीक है, SC ST वाले को मिलता है, बैकवर्ड वाले को यहाँ पर 3 साल का मिलता है, 10 साल का जो है यहाँ पर डिसेबिलिटी वाले को मिलता है। तो अलग अलग जो आपको गवर्नमेंट की रूल और रेगुलेशन, उसके साथ आपको छूट मिलती रहेगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो, यहाँ पर ने जो रजिस्ट्री रखी गई है, जो भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन है इसमें, और तो ग्रेजुएशन यहाँ पर देख सकते हैं ओनली जो है आपका यहाँ पर रखा गया है। एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, सिर्फ आपके पास यूनिवर्सिटी से, आपके पास कोई भी यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है। चाहे आप जो है किसी भी ग्रेजुएशन से हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो है यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज क्या क्या आपका सिलेबस में आएगा, तो आपका जो प्रीलिम्स है उसमें यहाँ पर आएगा आपका 3 चीज़ें आएंगी, इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है और रीजनिंग एबिलिटी है। तो ये आएंगे आपके 30, 35 और 35 नंबर का, 100 नंबर का पेपर होगा, और 100 प्रश्न होंगे इसमें। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपका टाइमिंग होगा 60 मिनट का रखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपका सेकंड पेपर होगा, इनके आपका जो सेकंड फेज का होगा, फर्स्ट पेज निकालने के बाद सेकंड फेज निकालोगे, तो उसमें जो है आपका यहाँ पर 120 मिनट, 160 मिनट का यहाँ पर होगा, और 200 नंबर का होगा, और 100 यहाँ पर जो है 90 क्वेश्चन होंगे, नंबर होगा 200 नंबर का। इसमें जनरल जो अवेयरनेस है, जनरल फाइनेंस वाले हैं, जनरल इंग्लिश आपके आएगी, रीजनिंग और कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पर आएगा। तो इतना ही आना है, बाकी जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मैंने बता ही दिया है, बाकी सिलेबस आप लोग देखते हैं। बाकी आप लोग देखिए, हर एक स्टेट में जो है अलग 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 कैटेगरी वाइज जो है आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि ये है आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, हर एक ये है स्टेट में अलग अलग मिलेगा। अगर वही बात करें यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड में इसका एग्जाम सेंटर भी उत्तराखंड में ही होता है, वेस्ट बंगाल देख सकते हैं यहाँ पर, उत्तराखंड में देख सकते हैं, उत्तराखंड में भी यहाँ पर जो है अलग अलग पोस्ट आपको मिल जाएंगे अलग अलग बैंकों में। जैसे यहाँ पर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ यहाँ पर स्टैंड, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है यहाँ पर, ठीक है, कैनरा बैंक है यहाँ पर, इंडियन बैंक है, और यहाँ पर इंडियन, ठीक है, ओवरसीज बैंक है, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक है, और यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक है, ठीक है, यूको बैंक है। तो अलग अलग बैंक में जो है अलग अलग वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो एक इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पर जो भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इन पदों के लिए, ये ऑनलाइन हो चुका है।